सीरियस शादी मुबारक की बात करें तो आज का एपिसोड बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज का एपिसोड में आप देखेंगे कि प्रीति पहली बार अपने बेटे को कुछ ऐसा कहती है जिससे कि वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि बेटे और बहू ने अपने सास बुआ दादी को और साथ ही साथ बुआ दादाजी को लेकर वो पहुंच गए थे ताकि ये लोग फैसला करें कि प्रीति काम नहीं करेगी। और प्रीति को जब ये लोग देखते हैं कि ऑफिस से मेकअप में आई है तब तो और बवाल हो जाता है। यहाँ बुआ दादी भी कहती है कि प्रीति तुम्हारा तो सब उदाहरण देते हैं गांव में, कहते हैं कि उस जैसी औरत तो हो ही नहीं सकती है, और तुम आज अपने कदम बाहर निकाल ली हो, आज तुम बिजनेस कर रही हो, बाल खुले कर कर घूम रही हो और इतना मेकअप, आखिर इस उम्र में तुम करना क्या चाहती हो, तुम जैसी थी वैसी ही अच्छी थी, तुमने जो परिवार के लिए किया वो बहुत किया और अब अपने पैर बाहर निकाल कर, घर से बाहर निकाल कर तुम ये गलत कर रही हो, गाँव समाज क्या बोलेगा। इधर तरुण भी है, काफ़ी कुछ अपनी माँ को बोलता है, काफ़ी कुछ सुनाता है, वो कहता है कि ये मेकअप लगाकर, ये लिपस्टिक लगाकर अब इस उम्र में तुम क्या करना चाहती हो, तुम्हें बर्तन धोना, खाना बनाना, इन सबसे ज़्यादा आता ही क्या है, अब तुम क्या पूरे मोहल्ले की औरतें जब तुम्हें उल्टी सीधी बातें कहेंगी तब सुनना तो मुझे भी तो पड़ेगा, ऐसे में तुम ये काम क्यों कर रही हो, क्या ज़रूरत है इस उम्र में ये सब करने की। अब जो है वो प्रीति चुप नहीं हो रह पाती है, प्रीति फिर बोल उठती है, इस उम्र में सिर्फ और सिर्फ इसलिए काम करना चाहती हूँ कि कम से कम मेरा बेटा ये ना कहे कि 20,000 में कितने शून्य होते हैं तुम्हें क्या पता, इस उम्र में इसलिए काम कर रही हूँ ताकि मुझे अपने बेटे के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इस उम्र में इसलिए काम कर रही हूँ ताकि मेरा बेटा ये ना कह सके कि तुम्हें पैसे संभालना नहीं आता, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकती हो। आज के एपिसोड में प्रीति अपने बेटे को अच्छे से सुनाएगी, लेकिन यह बेटा भी कम नहीं है। इस तरीके से बेटे ने प्रीति को कहा कि कुसुम जी कहती है, बीच में आती और बहुत लथाड़ती और कहती है कि इस बेटे को इसने बड़ा तो कर दिया और आज ये बेटा कहता है एक हाउसवाइफ की औकात क्या होती है। हाउसवाइफ, प्रीति हाउसवाइफ है तभी तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए 365 दिन ये खड़ी रहती है, एक दिन भी अगर ये बीमार पड़ जाए तो उसे ये लगता है कि आखिर ये हाउसवाइफ ठीक कैसे होगी। कुसुम खूब सुनाती है तरुण को, कहती है कि आज तुम इस तरीके से बोल रहे हो ना, इतनी लंबी जुबान है ना, अगर ये 4 थप्पड़ खींच के मारती ना तो तुम आज इतना नहीं बोल सकते, और साथ ही साथ जो बरगद के पेड़ की तरह तुम खड़े हो ना तो इसकी जो औकात है ना वो जमीन ही है, धरती ही, अगर धरती ही नहीं रहेगी तो तुम भी नीचे गिर जाओगे। अब आपको बताते चले कि अब जो है प्रीति जब अपने लिए बोलती है तो दादी सास से ये कहती है कि मुझे कुछ मौका दे दीजिए, मैं जीना चाहती हूँ, मैं अपने लिए कमाना चाहती हूँ, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती हूँ, अब तो मेरा घर भी नहीं है, मैं तो अपनी बेटी के साथ बड़े सम्मान के साथ रह रही हूँ और ये परिवार जो है, इस परिवार के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो क्या मैं किसके आगे हाथ फैलाऊँ, अगर कल को मेरी बेटी को बच्चा होता है तो उसे गिफ्ट करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है, आखिर मैं कहाँ जाऊँ, अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ, पैसे कमाना चाहती हूँ, आत्मसम्मान कमाना चाहती हूँ तो इसमें गलत ही क्या है। अब जो है तरुण ने 25 दिन का समय दे दिया है और कह दिया है कि ये 25 दिन है तेरे पास, अगर इस 25 दिन में तू सम्मान और पैसे कमा कर दिखा दी और 4 लोग ये कह दिए कि शादी मुबारक, कंपनी की क्या बात है और प्रीति जी की क्या बात है कि इस कंपनी को इतने अच्छे से चला रही है, अगर इस 25 दिन में ये हो गया तो मैं मान जाऊंगा तो कि तू बिजनेस वुमन है। अब जो है घर वाले जो हैं वो मना कर रहे हैं कि ये शर्त ना माने प्रीति, क्योंकि ये बिजनेस है, बिजनेस 25 दिन में नहीं होता है, बिजनेस चलाने में, बिजनेस फैलाने में सालों साल लग जाते हैं और ये तो 25 दिन का वक्त है। लेकिन यहाँ प्रीति शांत नहीं बैठती और कहती है ठीक है तरुण, मैं 25 दिन का समय एक्सेप्ट करती हूँ और मैं तुम्हें 25 दिन में करके दिखाऊंगी।